कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वो गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घृत यानी घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई, फिर उस कुंड से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ।